हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर सेकंड, प्लेइंग विथ नंबर्स। हमें क्या पढ़ना है? प्लेइंग विथ नंबर्स। तब देखो कैसे करना है। एक्सरसाइज है 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। हमें क्या बताना है? प्रत्येक के फैक्टर बताना है। फैक्टर का अभी तक हम फैक्टर जानते हैं। देखो क्या होते हैं, जैसे 19 है, हम देख रहे हैं 19 के फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर का मतलब है 19 में किस किस नंबर से डिवाइड जाएगा। हम देख रहे हैं 19 से केवल 1 से डिवाइड जाएगा कि 19 से जाएगा, तो 19 के फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 19। अब हम देख रहे हैं 60 है, क्या है 60, तो हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे नंबर से डिवाइड जाएगा। तब देखो कैसे करेंगे, 1 से डिवाइड जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी डिवाइड जाएगा, 5 से भी डिवाइड जाएगा, 6 से भी डिवाइड जाएगा, 10 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 20 से भी जाएगा, 30 से भी जाएगा, 60 से। इसका मतलब है आपको 1 से स्टार्ट करना है हर एक नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से आपको डिवाइड करके देखना है। अगर कंप्लीट डिवाइड आता है तो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर होगा। यदि कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वह उसका फैक्टर नहीं होगा। या आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करके भी बता सकते हैं। देखो कैसे आप माइंड यूज़ करना है। आप देख रहे हो, पहले आप सिक्स देख रहे हो, सिक्स देख रहे हो, आप देख रहे हो टू की टेबल में भी सिक्स आता, थ्री की टेबल में भी सिक्स आता, ठीक है, तो मतलब टू और थ्री से डिवाइड टेबल होगा। अब देख रहे हो आप जीरो है, जीरो है मतलब किस से डिवाइड हो जाएगा, मतलब सिक्स जीरो हो गया, जीरो है मतलब फाइव से भी डिवाइड होगा, टेन से भी डिवाइड होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ थ्री से क्या जो आप देख रहे हो, थ्री से सिक्स डिवाइडेबल था, तो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, इसका मतलब थर्टी की टेबल से भी डिवाइडेबल होगा। जब ये सिक्स टू की टेबल से डिवाइड हो रहा था तो क्या ट्वेंटी की टेबल से भी डिवाइड होगा, ऑफकोर्स होगा। तो इस टाइप को क्या करना है, थोड़ा सा आपको माइंड भी यूज करना है और थोड़ा सा आपको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा कि आपको एक एक नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट दी फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ। आपको क्या बताने हैं, इसमें आपको फाइव मल्टीपल्स लिखने हैं। आपको आपकी लैंग्वेज में बोले सीधी, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसकी फाइव टाइम टेबल लिखनी है, तो वो क्या हो जाएंगे, फाइव मल्टीपल्स हो जाएंगे। जैसे 15 है, 15 का फाइव मल्टीपल्स, 15 1 15, 15 2 30, इस टाइप से क्या करना है आपको, 15 की टेबल फाइव टाइम लिखनी है, तो इस सभी की। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 15 एज देयर फैक्टर्स। आपको बताना है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि आपको बताना है कि 15 इसका फैक्टर है, तब कैसे बताएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 15 का क्या करना है, आप रफ में बोल सकते हो साइड में 15 से डिवाइड करना है, किसमें, 1, 5, 6, 2, 5, ये आपको नंबर दिए गए हैं अलग अलग, सब में आपको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है। अगर 15 से डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर आए, जो आपको लास्ट में कुछ भी ना बचे, मतलब तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट उसका फैक्टर होगा। यदि रिमाइंडर में कुछ भी बचता है, 1, 2, 3, 5, 6, कुछ भी बचता है, तो वो क्या होगा, वो उसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब 15 का फैक्टर नहीं होगा। तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, आपको 15 से सभी नंबर्स में क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिए गए उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ़ दी फॉलोविंग आर डिविजिबल बाई 21। अब जैसे आप फैक्टर बता रहे हो तो सेम इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी आपको ये करना है, 21 से क्या करना है, आपको तीनों नंबर में डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने पे हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो मतलब क्या होगा, वह उसका फैक्टर होगा, आप बोल सकते हो। यदि रिमाइंडर में कुछ भी बाकी रह जाता है तो वो क्या होगा, उसका डिविजिबल नहीं होगा, इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ वाला, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। अब आपको क्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर हम किन्हें बोलते हैं, तो अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर, या बोल सकते हो नेचुरल नंबर, जिनके कितने फैक्टर हो, या तो वन फैक्टर हो या वह नंबर स्वयं उसका फैक्टर हो। कितने, जैसे हमने 19 देखा था, हमने 19 के फैक्टर किए थे, 19 के फैक्टर क्या हुए थे हमारे, 1 या 19, मतलब ऐसा नंबर जिसका क्या फैक्टर हो, या तो एक फैक्टर हो, वन फैक्टर हो, या वह नंबर स्वयं उसका फैक्टर हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन में बोला गया था 1 से लेकर 30 तक के प्राइम नंबर बताना है,
तो हम देख रहे हैं टू, टू से किससे डिवाइड्स आएगा, या तो वन से होता है या टू से होता है। थ्री, थ्री भी एक ऐसा नंबर है। आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे आपको काउंटिंग करनी है 30 तक। फिर आपको देखना है कि आपका कौन कौन सा नंबर है जिसमें आपका डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं फाइव, फाइव भी एक ऐसा नंबर है, किससे डिवाइड होगा, या तो वन से या खुद स्वयं फाइव से। फिर सेवन है, इलेवन है, थर्टीन है, सेवनटीन है, ट्वेंटी थ्री है, ट्वेंटी नाइन है। यदि आप यहाँ से काउंटिंग करने लिखने में आपको प्रॉब्लम हो तो आपको बुक में देखना, आपकी कंप्लीट वन से हंड्रेड तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो आप उसमें आप पेंसिल से यूज करके आप देख सकते हो। जैसे थ्री है, थ्री से किस नंबर से डिवाइड जाता है, देख रहे हो वन और थ्री, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आपको ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बुक में से ही आप पेंसिल का यूज करके आप बता सकते हो, आपको काउंटिंग लिखनी नहीं पड़ेगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर प्राइम। अब आपको बताना है ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कैसे हैं, इवन नंबर हैं बट और साथ में प्राइम है। तो ओनली एक नंबर है, कितने नंबर हैं, एक नंबर, वो क्या है, टू। टू इज़ अ प्राइम नंबर एंड इवन नंबर, जो दो है वो क्या है, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन तक, हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। अभी हमने पढ़ा हुआ है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर क्या हो, वन हो या वह खुद स्वयं वह नंबर हो। तब देखो हम कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं ट्वेंटी थ्री, हमें सबसे पहले ट्वेंटी थ्री दिया गया, हमने सोचा ट्वेंटी थ्री के फैक्टर देखे। हम देख रहे हैं ट्वेंटी थ्री के फैक्टर क्या हैं, या तो वन है या स्वयं ट्वेंटी थ्री है, तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर। ट्वेंटी सिक्स देखो, ट्वेंटी सिक्स आप देख रहे हो, ट्वेंटी सिक्स से तो टू से भी डिवाइड चला जाता है, थ्री से भी, मतलब ये प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा। थर्टी वन देख रहे हो, थ्री वन, मतलब इससे भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाता, किससे जाता, वन से जाएगा या थर्टी वन से जाएगा, इस टाइप से आपको बताना है।